रणदीप हुड्डा पर जान छिड़कती थी सुष्मिता से। ब्रेकअप के सालों बाद यूं किया था दुबई में इग्नो, जब एक दूसरे के लिए धड़कता था सुष्मिता सेन और रणदीप हुड्डा का दिल। बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े कलाकारों की लव लाइफ की ऐसी ऐसी कहानियां हैं जिन्हें सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक ऐसी ही जोड़ी थी सुष्मिता सेन और रणदीप हुड्डा की, तो चलिए आज रणदीप हुड्डा के जन्मदिन पर जानते हैं उनकी लव लाइफ से जुड़े पुराने किस्सों के बारे में। सुष्मिता सेन और रणदीप हुड्डा के रिश्ते ने लोगों के बीच खूब सुर्खियां बटोरी थी। 3 साल तक रणदीप हुड्डा को सुष्मिता सेन ने किया था डेट। रणदीप हुड्डा और सुष्मिता सेन ने एक दूसरे को लगभग 3 साल तक डेट किया था। जीने मरने की कस्में खा चुके थे सुष्मिता सेन और रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा और सुष्मिता सेन एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम भी खा चुके थे। एक दूसरे के साथ काफी कम्फर्टेबल थे रणदीप हुड्डा और सुष्मिता सेन। रणदीप हुड्डा और सुष्मिता सेन जब तक रिलेशनशिप में थे तब तक दोनों को एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल देखा गया था। लोगों को पसंद आती थी सुष्मिता सेन और रणदीप हुड्डा की जोड़ी। लोगों को रणदीप हुड्डा और सुष्मिता सेन के बीच की केमिस्ट्री काफी पसंद आती थी। एक दूसरे को अवॉइड करने लगे थे सुष्मिता सेन और रणदीप हुड्डा। ब्रेकअप के चंद दिन बाद ही दुबई के एक इवेंट में दोनों को देखा गया था, जहां पर दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर करते हुए नजर आए थे। सुष्मिता सेन की बेटी को खूब मानते थे रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा ने इंटरव्यू में ये बात कबूली थी कि वो सुष्मिता सेन की बेटी रीनी को बेहद मानते हैं। सुष्मिता सेन से ब्रेकअप करके खुश थे रणदीप हुड्डा। एक इंटरव्यू के दौरान रणदीप हुड्डा ने कहा था कि वो ब्रेकअप के बाद खुश थे क्योंकि वो खुद को ज्यादा समय दे पा रहे थे, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं रणदीप हुड्डा और सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन और रणदीप हुड्डा दोनों ही अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुके हैं। स्कूल में दुनिया के हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।